नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। शाम के 6 बज गए हैं और पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, क्या बड़ी खबर रही है, उसको लेकर आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। आज का ये बुलेटिन काफी खास रहने वाला है, इसको शेयर आप जरूर करें। सबसे महत्वपूर्ण, जो कांग्रेस के 6 बागी नेता है उनको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में मामला लगा हुआ था, वहां से क्या नया अपडेट है। CPS मामले में भी जो है वो नया अपडेट आ गया है। इसके अलावा एक जो निर्दलीय विधायक है जो ऋषिकेश में अभी है, उनको शिमला आना पड़ेगा, और क्यों उनको शिमला आना पड़ेगा वो आपको बताएंगे। हालांकि इनको जो जमानत है, अंतरिम जमानत, वो आज हाईकोर्ट से मिल गई। आपको मालूम है, बीते कल खबर बताई थी हमने आपको कि एक MLA जो कह सकते हैं आप निर्दलीय MLA हैं, और एक जो कांग्रेस के बागी चैतन्य शर्मा के जो पिता है, उनको आज जमानत मिली है, अग्रिम जमानत, उनको अब शिमला आना पड़ेगा। क्यों शिमला आना पड़ेगा, हाईकोर्ट से आदेश आए हैं उनको लेकर के, संक्षेप में खबर बताएंगे। और आज CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बागियों को कुएं का मेंढक जो है वो करार दिया है अपने भाषण में, वो भी आपको बताएंगे। बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट में 6 बागियों पर जो नया अपडेट आज आया है वो आपको बताएंगे। 6 बागियों की जो याचिका पर सुनवाई आज लगी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, वो फिलहाल 18 मार्च तक टल गई है। आज अदालत में कांग्रेस के बागी निष्कासित विधायकों की ओर से एडवोकेट सत्यपाल जैन कोर्ट में पेश हुए, मगर हरीश दूसरे वकील थे, ये भी पेश होने थे, लेकिन ये कनेक्टिविटी कारणों से नहीं जुड़ पाए, इसलिए अब ये मामला 18 मार्च को फिर लगेगा। वहीं सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, जो कह सकते हैं आप कैंडिडेट भी थे ये, और कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी, तीन वरिष्ठ अधिवक्ता अदालत में पेश हुए। 3 जजों की बेंच ने बागी नेताओं अपीलकर्ता पक्ष से पूछा कि वो हिमाचल हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। इनको नसीहत दी गई वहां से कि आप सीधे यहां पर क्यों आए। हालांकि वहां पर जो है वो एक ही वकील था, आज इन 6 बागियों का जो वकील थे हरीश सालवे, बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता है, वो आज नहीं पहुंच पाए, और इसी के चलते दीपांकर दत्त और न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच में यह मामला लगा हुआ था। और 28 फरवरी को विधानसभा स्पीकर ने, जो हमारे पास इसकी सूचना है वो आपको भी मालूम है, सुजानपुर से जो बागी विधायक राजेंद्र राणा, धर्मशाला से सुधीर शर्मा, लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर, बरसर से इंद्रदत्त लखनपाल, गगरेट से चैतन्य शर्मा और कुटलहर से देवेंद्र कुमार भुट्टो, इन सभी को जो है वो अयोग्य घोषित ठहरा दिया था। और इन्हीं जो ये 6 बागी है, फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए थे, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जो आज सुनवाई हुई है, अब यह मामला और आगे चला गया है, और अब यह मामला सोमवार को लगेगा, और 18 मार्च को जो है वो इसमें क्या नया अपडेट होता है, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। ये क्यों महत्वपूर्ण खबर है, अगर फैसला इनके पक्ष में नहीं आता है तो फिर जो 6 ये MLA हैं, जहां पर जहां जहां विधानसभा क्षेत्र से जाते हैं, सभी जगहों पर उपचुनाव होंगे, और उपचुनाव में फिर इनके लिए जितना इतना आसान नहीं होगा। सरकार का पूरा तंत्र होगा, क्या भाजपा सभी को जो है वो टिकट देगी, ये भविष्य के गर्व में है, टिकट देगी नहीं देगी, अगर नहीं टिकट देगी तो फिर ये कहां जाएंगे, बहुत सारे सवाल हैं। फिलहाल ये जो मामला है ये 18 मार्च तक टल गया है, तो इसकी जो सुनवाई है वो 18 मार्च को होनी है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर को लेकर के। निर्दलीय विधायक व बागी विधायक के पिता को अग्रिम जमानत आज हाईकोर्ट से मिल गई है। आपको मालूम है कि कांग्रेस के 2 बड़े नेता, एक CPS हैं और एक विधायक हैं, CPS संजय अवस्थी और भुवनेश्वर गौड़ जो मनाली से विधायक हैं, इन्होंने FIR की शिमला के बालूगंज थाने में कि जो है वो खरीद फरोख्त हुई है, जो अभी चुनाव थे राज्यसभा के, इसको लेकर के जो मामला आज हाईकोर्ट में लगा था, तो इन दोनों को जो है वो अग्रिम जमानत मिल गई है। प्रदेश हाईकोर्ट ने गगरेट से विधायक चैतन्य शर्मा के पिता और हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा को अग्रिम जमानत जो है वो दे दी है। न्यायाधीश रंजन शर्मा ने राकेश शर्मा व आशीष शर्मा द्वारा याचिका द्वारा अग्रिम जमानत याचिका की जो प्रारंभिक सुनवाई आज हुई है, उसके पश्चात ये आदेश जारी किए हैं, और इनको ये कहा है, देखिए दोनों जो प्रार्थी हैं उनको ये कहा गया है कि वह 15 मार्च को बालूगंज पुलिस थाने के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करें, वह जांच कार्य में सहयोग दें। यानी इनको अंतिम जमानत तो मिल गई है, लेकिन अब जो बड़ा सवाल है, ऋषिकेश में अभी
भी जो छह बागी विधायक हैं, जो तीन निर्दलीय हैं, जो तीन निर्दलीय विधायक हैं, ये एंटी डिफेक्शन लॉ में नहीं आते हैं, यानी ये अभी भी विधायक हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपको बता दें, अब जो वहां पर निर्दलीय विधायक है हमीरपुर से आशीष शर्मा, जिनके खिलाफ FIR हुई है, इनको 15 मार्च को शिमला आना पड़ेगा। तो ऐसे में 15 मार्च को अब हाईकोर्ट ने कहा है कि आप आए और जो पुलिस जांच कर रही है उसमें सहयोग दें। यानी 15 मार्च को क्या होगा, 15 मार्च को बालूगंज पुलिस थाने में इनको आना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, जो चैतन्य शर्मा के पिता है, जो अभी कहीं ना कहीं जो संपर्क से बाहर चल रहे हैं, वो भी जो है वो उस दिन वहां पर उनको भी आना पड़ेगा। याचिकाओं में दिए तथ्यों के अनुसार शिमला के बालूगंज पुलिस स्टेशन में कांग्रेस के बागी एवं गगरेट से विधायक चैतन्य शर्मा के पिता और हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। और दोनों के खिलाफ जो वहां पर धाराएं लगी हुई है 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 एवं 8 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। यहां पर जो दो कह सकते हैं आप, एक CPS हैं और एक कांग्रेस के विधायक हैं, इन्होंने जो वहां पर मामला दर्ज करवाया है उसके चलते जो मामला दर्ज करवाया उसके बाद जो FIR लगी है वो हमने बता दिया है आपको। यानी फिर इनको भी अब कह सकते हैं जमानत तो मिल गई है, लेकिन फिर इनको शिमला आना पड़ेगा। और इनको जो भुवनेश्वर गौड़ और अवस्थी ने जब अपना मुकदमा दर्ज करवाने वहां पर गए, वोटों की खरीद फरोख्त करने, रिश्वत एवं पैसों के लेन देन के आरोप लगे हैं इन पर। लेकिन इस पर एक और बड़ी अपडेट है, इसमें आशीष शर्मा ने कहा है, इसमें इन्होंने कहा है कि अगर जो आरोप लगाए गए हैं ये बेबुनियाद हैं, मैं 50 करोड़ रुपए का जो मानहानि का मुकदमा है वो इन पर करूंगा, जो छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जो मामला आज लगा हुआ था हाईकोर्ट में, इनको अग्रिम जमानत मिल गई है। फिर जो है वो इनको लेकर के अब 15 मार्च को इनको बुलाया गया है, 16 मार्च को फिर जो है वो याचिकाओं पर सुनवाई होगी। यानी 16 मार्च को ये मामला फिर जो है वो हाईकोर्ट में लगेगा, 15 मार्च को इनको शिमला आना पड़ेगा। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर को लेकर के, CPS मामले में भी आज सुनवाई हुई है और ये अभी फिलहाल 2 अप्रैल तक मामला टल गया है। देखिए CPS मामला भी बड़ा मामला है प्रदेश का, और ये भी कहीं ना कहीं जो आगामी समय में राजनीतिक जो गतिविधियां रहने वाली है प्रदेश में, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इनके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो फिर इनको हटाया जाएगा। फिलहाल आज जो हुआ है, आज याचिकाकर्ता पक्ष और सरकार की तरफ से एडवोकेट में 2.5 घंटे बहस चली है। यानी जिन्होंने याचिका डाली है 12 लोग हैं, ये सारे भाजपा के लोग हैं, इन्होंने जो है वो याचिका डाली थी कि जो ये लगाए गए हैं CPS ये गैर असंवैधानिक है, लोकतंत्र में इसकी जो है वो कह सकते हैं आप अनुमति नहीं है। और उसी पर जो है वह 2.5 घंटे बहस हुई, 2.5 घंटे बहस के बाद ये मामला अब 2 अप्रैल तक आगे चला गया है। यानी इस मामले में 2 अप्रैल को सुनवाई होनी है। फिलहाल CPS मंत्रियों जैसी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकेंगे, इसको लेकर के हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश पहले ही जारी किया है। यानी जो एक ठाट बाट थे वो सारे इनसे छीन लिए हैं, ये कहीं पर एज अ चीफ गेस्ट, मंत्री को चीफ गेस्ट बुलाया जाता है तो ये चीफ गेस्ट नहीं जा पाएंगे। इसको लेकर पहले का जिस प्रकार मंत्री के रूप में जाते थे पहले, वो अब नहीं जा पाएंगे। बाकी जो कह सकते हैं, क्योंकि जब पीछे ये मामला हुआ था, जब पिछली सुनवाई हुई थी, जब ये अंतरिम आदेश आए थे, फिर वहां पर जो सरकार के वकील थे उन्होंने कहा था कि ये कोई ऐसे बड़े जो मंत्री वाले ठाट बाट है वो नहीं ले रहे हैं। तो अभी फिलहाल ये जो मंत्री वाले ठाट बाट है ये नहीं ले पाएंगे। बीजेपी के हमने कह दिया आपको कि 11 विधायकों ने जो है वो एक साथ ये जो है वो याचिका कोर्ट में डाली थी, उसके बाद ये मामला आज सुनवाई में लगा हुआ था, फिर से आज इसमें सुनवाई थी। और आज ये मामला जस्टिस विवेक ठाकुर और विपिन चंद्र नेगी की बेंच में लगा हुआ था। अब आगे की इसमें डेट जो है वो मिल गई, आपको हमने बता दिया है। अब बात करते हैं CM सुक्खू को लेकर के, CM सुखविंदर सिंह सुक्खू आज पहले शिमला में थे, फिर वो सुबह जो है वो निकल गए यहां से शिमला से, और शिमला से निकलने के बाद वो फतेहपुर गए, और फतेहपुर के बाद चंबा में गए हैं। आज CM सुक्खू ने फिर बागियों पर जुबानी हमला बोला है, और चंबा में जनसभा को संबोधित करते हुए सुक्खू ने कहा, गंगा मैया ने भी बागी विधायकों के पाप धोने से मना कर दिया है, इसलिए पंचकुला से हरिद्वार जाने के बाद वहां पर वो नहीं रुके और वहां से ऋषिकेश चले गए और अब ऋषिकेश में तपस्या कर रही है, आरोप लगाया उन्होंने। और उन्होंने आज एक नया शब्द दिया है, पहले देखिए काले नाग एक शब्द आया, उसके बाद जो है वो जिस प्रकार से अलग अलग शब्द जो है वो आए सामने, अब जो नया शब्द सामने आया है वो आया है कि जो बागी हैं वो कुएं के मेंढक की तरह एक जगह से दूसरी जगह उछल रहे हैं। ये आज जुबानी हमला बोला है CM ने मंच से, इन्होंने जनता की आरोप लगाया है
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, इन्होंने जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, यह जनता के सेवक नहीं हो सकते, ऐसे लोगों को अब प्रदेश की जनता सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा पैसों के दम पर सत्ता हथियाना चाहती है। आज सीएम ने ये कई जो जुबानी हमले बोले हैं, एक तो कुएं का मेंढक बोल दिया, इसके लिए उन्होंने कहा कि जो कुर्सी है मेरी कुर्सी नहीं है, ये जनता की कुर्सी है, मैं एक शरण परिवार से आता हूं, मेरे जो पिता है वो ड्राइवरी का काम करते थे, एचआरटीसी जब रोडवेज हुआ करता था, मैं जो है वो एक सरकारी कर्मचारी का बेटा हूं। आज भाजपा को ये पच नहीं रहा है कि आम परिवार का व्यक्ति कैसे सीएम बन गया, ये उन्होंने आरोप लगाया है, और भाजपा पैसों के दम पर सत्ता हत्याना चाहती है, ये इन्होंने आरोप लगाया है। आज सीएम पहले फतेहपुर गए, उसके बाद चंबा गए, यानी सीएम आज शिमला में सीएम थे सुबह, और शिमला में जो है वो जो नगर निगम शिमला के मेयर हैं वो अपनी पूरी टीम के साथ, पार्षद भी थे, थैंक्स किया उन्होंने आज शिमला में, और सुरेंद्र चौहान और उनकी जो पूरी टीम थी, उन्होंने जिस प्रकार से 1500 रुपये देने की घोषणा की है सीएम ने, और अब ये जो है वो अप्रैल से मिलना शुरू भी हो जाएंगे जो सरकार कह रही है, तो इसी को लेकर थैंक्स करने गए थे। उसके बाद चंबा गए, और चंबा के बाद फिर फतेहपुर गए, माफी चाहूंगा, उसके बाद चंबा गए। फतेहपुर में आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 232 करोड़ रुपए की 14 विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात दी है। वहीं चंबा को भी करोड़ों की सौगात आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी है। तो सीएम लगातार, अब क्या है कि आपको मालूम है प्रदेश में जो है वो लोकसभा चुनाव सिर पर है, कभी भी आचार संहिता लग सकती है, हो सकता है इसी सप्ताह लग जाए, लेकिन तैयारियां जोरों पर हैं। हालांकि अभी पत्ते नहीं खोले हैं कांग्रेस ने कि यहां पर चुनावी कैंडिडेट कौन होंगे, लेकिन भाजपा की कल एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है, संभावनाएं हैं कि एक दो दिनों के अंदर भाजपा जो है वो अपने जो प्रत्याशी है उनके नामों की जो सूचना है वो जारी कर देगी कि प्रदेश में कौन जो है वो कैंडिडेट होगा। अभी इस पर गहन विचार विमर्श चल रहा है। अब बात करते हैं एक और खबर को लेकर के। कुछ एक जो डिवीजन है वो पहले पीछे जो है वो बंद कर दिए गए थे, पहले खोले फिर उनको लेकर के नोटिफिकेशन जारी की गई कि अब नहीं रहेंगे डिवीजन। फिलहाल नए जल शक्ति डिवीजनों को लेकर के जो है वो आदेश जारी कर दिए हैं सरकार ने। कैबिनेट में जो दो नए जल शक्ति डिवीजन खोलने को लेकर के जो एक फैसला लिया था उसको, अब जो फैसला है उसकी जो नोटिफिकेशन है वो हो गई है। एक सब डिवीजन खोलने का फैसला लिया था, इस पर जल शक्ति विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। नया डिवीजन जयसिंहपुर व ज्वालामुखी में होगा, वहीं डलहौजी का जो डिवीजन है वो चुवाड़ी के लिए बदला गया है। साथ ही इनके अधीन सभी जो डिवीजन हैं वो बदल गए हैं। यहां पर पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था के साथ इनको चलाने को जो है वो आदेश दिए गए हैं। सरकार ने पहले इनको जो है वो डिनोटिफाई किया था, यानी जो एक डिवीजन डिनोटिफाई किया गया था उसको फिर से खोल दिया गया है, और कुछ एक जो है वो शिफ्टिंग की गई है, आपको हमने खबर में बता दिया है। अब बात करते हैं डीए को लेकर के। प्रदेश के लाखों कर्मचारी पेंशनर डीए का वेट कर रहे हैं, आपको हमने पहले ही बता दिया है, जो आपको सैलरी आएगी अप्रैल की सैलरी मई माह में, उसमें डीए की जो एक किस्त है 4% वो कर्मचारियों को मिल जाएगी, ये तय हो गया है, और दूसरा जो पेंशनर है उनको भी मिल जाएगी। लेकिन जो 19 महीने का जो डीए इनका पेंडिंग है उसको लेकर के अभी जो है वो नोटिफिकेशन नहीं हुई है, ये अलग से होगी, और कुछ दिन में संभावना है कि एक दो दिन में जो है वो जो एरियर वाइज नोटिफिकेशन है वो हो जाएगी। हालांकि कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं, पेंशनर भी इंतजार कर रहे हैं, और उनका ये दो टूक शब्दों में कहना है कि सरकार चुनाव से पहले इसकी जो अधिसूचना है वो जारी करें। जो पहले जारी की गई थी उसमें बहुत सारी खामियां नजर आई कर्मचारियों को, फिर वो सीएम से मिले, पेंशनर भी सीएम से मिले, फिर सीएम ने जो है वो उसको कह सकते हैं आप कैंसिल कर दिया नोटिफिकेशन को। अब नए सिरे से होगी, अभी तक नहीं हुई है, होगी तो आपको बता देंगे। फिलहाल जो आज की खबर है वो केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर की है। केंद्रीय कर्मचारियों की जो डीए की अधिसूचना है वो जारी हो गई है, और केंद्रीय कर्मचारियों का ये कैसे लिंक्ड अप है, आपको मालूम है जब केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ता है तो प्रदेश में भी जो है वो एक आस दिख जाती है कि डीए यहां पर भी बढ़ेगा। फिलहाल 4% तो मिल जाएगा अप्रैल से, उसके बाद जो पेंडिंग वाला 19 महीने का वो अलग से मिलेगा, फिर का अब जो है वो बढ़ोतरी होनी है क्योंकि 4% केंद्र का भी बढ़ गया है। आज केंद्रीय वित्त मंत्रालय की तरफ से एक्सपेंडिचर जो डिवीजन है उसने अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक 1 जनवरी से बेसिक सैलरी पर 46% की दर से नहीं बल्कि 50% की दर से डीए का भुगतान होगा केंद्रीय कर्मचारियों को। इसका भुगतान मार्च माह के वेतन से शुरू होगा, मतलब अगले महीने जो वेतन मिलेगा केंद्रीय कर्मचारियों को उसमें नए दर से जो है वो डीए लगेगा। यह बढ़ा हुआ जो डीए है वो पीएम मोदी और जो कैबिनेट है वो पहले कह चुकी है कि 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा। 7 मार्च को जो कैबिनेट हुई थी मोदी कैबिनेट उसमें इसको लेकर फैसला हुआ था, आज इसकी जो अधिसूचना है वो जारी हो गई है। अभी डीए मर्जर पर फैसला नहीं हुआ है। आज जारी सर्कुलर के मुताबिक इसमें डीए का जो मूल वेतन है
उसके मर्जर की बात नहीं है। जो 40 से 50 वाला है हमने आपको बता दिया है। तो जो केंद्रीय कर्मचारी, जो केंद्र सरकार के कर्मचारी है, उनको डीए जो अभी पीछे कह सकते कैबिनेट हुई थी उसकी आज अधिसूचना जारी हो गई है। ये इनको मिलना शुरू हो जाएगा अगले महीने से सैलरी के साथ और ये बेसिक पर होगा। इसके अलावा बात करें महिलाओं के 1500 पर, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आजकल जहां भी जा रहे हैं आपको मालूम है 3-4 दिन से वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, हर मंच से एक बात कह रहे हैं कि महिलाओं को हम 1500 दिनों की जो गारंटी है वो हमने पूरी कर दी है। अब बात करते हैं इसकी नोटिफिकेशन कब होगी। अभी फिलहाल जो हमारी सूचना है मंजूरी के लिए जो फाइल है वो विभागीय मंत्री को गई है। 5 लाख महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा और किन महिलाओं को 1500 मिलेंगे ये भी बता देते हैं आपको। जिस परिवार में कोई भी व्यक्ति जॉब नहीं करता है उन महिलाओं को जो है वो 1500 रुपए प्रति महीने मिलेगा, नंबर एक। अब किसी का पति अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो उन महिलाओं को फिलहाल जो अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है उनको नहीं मिलेगा। वो महिलाएं जो नीडी महिलाएं हैं और अभी फिलहाल जो अभी हमारे पास सूचना है 5 लाख, आपको मालूम है प्रदेश में जो है वो 20-21 लाख से अधिक महिलाएं हैं और हालांकि इसका जो आंकड़ा है सेंसस के मुताबिक बहुत अधिक है लेकिन जो सरकार ने पहले आंकड़ा निकाला था वो 22 लाख के आसपास था, 20-21 लाख के आसपास था। और अब जो 5 लाख महिलाएं हैं वो वही महिलाएं हैं जिनके परिवार में कोई जॉब में नहीं है। अप्रैल महीने से इस स्कीम को लागू किया जाएगा। इसमें 887 करोड़ रुपए सालाना खर्च होगा और विभाग ने इसको लेकर के जो गाइडलाइन है वो तैयार कर दी है और बहुत जल्दी जो फॉर्म है वो मिल जाएंगे आपको अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में। फिलहाल जो विभागीय मंत्री है उनकी स्वीकृति का इंतजार है, कैबिनेट से पहले हो चुका है। अब बात करते हैं तबादलों को लेकर के। पिछले दिनों तबादले नहीं हो रहे थे, तबादले हो भी रहे थे तो बहुत इंपॉर्टेंट तबादले हो रहे थे सीएम के उसके बाद, लेकिन अब जो तबादले हैं वो धड़ाधड़ हो रहे हैं। सरकार ने मंत्रियों को तबादलों की शक्तियां दे दी, आपको मालूम है जो अब तबादले हो रहे हैं अब सीएम से नहीं पूछा जा रहा, यानी सीएम की वो कह सकते हैं आपके पहले जब भी तबादला हो रहा था उसमें इंपॉर्टेंट था कि सीएम से जो है वो आगे फाइल मूव होती थी जब कह सकते हैं बड़े स्तर पर जो है वो होती थी तबादले, लेकिन अब सरकार ने मंत्रियों को जो है वो शक्तियां दी है, उनके पास कर्मचारी की कतारें लगी हुई है, आचार संहिता लगने से पहले तबादला करवाने के लिए जो है वो हजारों लोग जो है वो पहुंच रहे हैं सचिवालय में, आज भी काफी भीड़ थी कर्मचारियों की और फिलहाल अभी जो तबादले हैं वो आगे चलते रहेंगे। 3-4 दिन में जो है वो आचार संहिता लगेगी प्रदेश में, आपको मालूम है कभी भी 15 या 17 तारीख के बाद लग जाएगी, 15 या 17 को संभावनाएं हैं और उससे पहले जितने भी कर्मचारी है वो अपना अपना जो स्टेशन है वो लेना चाहते हैं, उसके चलते आज लगातार जो कर्मचारी है वो सचिवालय पहुंच रहे हैं, अपने अपने मंत्रियों से मिल रहे हैं और धड़ाधड़ ट्रांसफरें भी हो रही है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर को लेकर के। 1.5 किलोमीटर वाले आंगनबाड़ी जो स्कूल हैं वो आंगनबाड़ी जो है केंद्र वो अब स्कूलों में मर्ज होंगे, बहुत महत्वपूर्ण खबर रहे हैं। यानी कि स्कूल से 1.5 किलोमीटर की दूरी वाले जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो अब स्कूल कैंपस में चलेंगे और आंगनबाड़ी वर्कर्स स्कूलों में प्री नर्सरी कक्षाओं को पढ़ाएंगे। स्कूलों से 1.5 किलोमीटर वाले आंगनबाड़ी केंद्रों का जो विभागीय सर्वे है वो शुरू हो गया है और संबंधित विभाग आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची बनाने में जुटा हुआ है। रेगुलर शिक्षक भर्ती तक ये फिलहाल जुगाड़ किया जाएगा। अभी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है जब तक रेगुलर शिक्षक नहीं आएंगे, अब देखिए एनटीटी की भर्तियां होनी है प्रदेश में, काफी लंबा समय हो गया लेकिन ये भर्तियां नहीं हो पाई, अभी फिलहाल भर्तियों के लिए इंतजार करना पड़ेगा। सरकार कह रही है कि हम इसी साल भर्तियां करवाएंगे। अब देखिए जब तक एनटीटी शिक्षक नहीं आते हैं तब तक जो ये आपको बता रहे हैं क्योंकि अब आंगनबाड़ी केंद्र स्कूलों में मर्ज होंगे, स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, वहां पर जो ये कह सकते हैं अब जो शिक्षक जब तक नहीं होते तब तक यही पढ़ाएंगे उनको। फिलहाल अभी पहले चरण में फिलहाल अभी जो छोटी कक्षाओं में शिक्षक है वही पढ़ा रहे हैं लेकिन जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो अब स्कूल कैंपस में चलेंगे और हमने आपको किलोमीटर भी बता दिया कितने किलोमीटर हैं और जो लगभग 4000 से अधिक जो कह सकते हैं आप शिक्षक लगने हैं इसके लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है आपको आचार संहिता के बाद ही जो है वो आचार संहिता के बाद ही भर्तियां होनी है, उससे पहले संभव नहीं है। अब बात करते हैं JIT 817। देखिए JIT के जो एस्पिरेंट्स हैं जो कह सकते हैं अभ्यर्थी है वो इंतजार कर रहे हैं, अभी भी चौड़ा मैदान में बैठे हुए हैं और उनको इंतजार है कि कब सरकार कैबिनेट करेगी। काफी सोशल मीडिया पर अलग अलग खबरें चली कि आज कैबिनेट है लेकिन आपको हिमाचल दस्तक टीवी ने सुबह ही बता दिया था, कल भी आपको मैंने बताया था कि कैबिनेट आज नहीं है और सीएम सुक्खू ने भी ये कहा कि कैबिनेट आज नहीं है, यानी कैबिनेट आज नहीं है तो JIT 817 को फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। अब 1-2 दिन के अंदर कैबिनेट हो सकती है, फिलहाल तिथि अभी नहीं आई है और 817 के अलावा जो पोस्ट कोड 980 है उनके जो अभ्यर्थी है वो आज शिमला पहुंचे, इन्होंने रोहित ठाकुर से मुलाकात की, विक्रमादित्य सिंह से
मुलाकात की है, इन्होंने ये कहा कि जब आप 817 का रिजल्ट निकाल रहे हैं तो फिर हमारा रिजल्ट निकाल दें, हमारा हम भी जो है वो पेंडिंग रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो प्रदेश में पोस्ट कोड 982-980-962-903-939 और भी कई पोस्ट कोड हैं, इनके अभ्यर्थी जो है वो अब सरकार से ये चाह रहे हैं कि अगर आप JYT 817 का रिजल्ट निकाल रहे हैं तो हमारा रिजल्ट भी आप जल्द से जल्द निकालें। फिलहाल कैबिनेट में जो हमारी सूचना है अभी 817 पर, जो अगली कैबिनेट होगी उसमें फैसला लिया जाएगा, जैसे हमारे पास लोकेशन आती है कैबिनेट की आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल अभी जो हमारे पास सूचना है कि इनको जो और पोस्ट कोड हैं इनको फिलहाल और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, और वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी फिलहाल जो पहले चरण में अभी भर्तियां होनी है वो पोस्ट कोड 817 की, आप कह सकते हैं नियुक्तियां मिलनी है इनको, क्योंकि इनका जो फाइनल रिजल्ट है उसी का इंतजार कर रहे हैं, स्टेशन मिलने हैं इनको। अब बात करते हैं एक और खबर को लेकर, जो अन्य पोस्ट कोड है इनको इंतजार करना पड़ सकता है। सड़क हादसे में आज 3 लोगों की दुखद मौत हुई है, बहुत ही दुखद खबर है। शिमला के बलसन क्षेत्र में आज एक स्विफ्ट कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, इसमें सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से जो मृतकों के शवों को सड़क तक पहुंचाया गया, और बलसन क्षेत्र में जो देहा बलसन चौपाल वाला क्षेत्र है शिमला से लगभग 70-80 किलोमीटर की दूरी पर है, हालांकि जो हादसा हुआ थोड़ा पीछे हुआ है 50-60 किलोमीटर की दूरी पर। बलसन क्षेत्र में धनोट के बंधु ढाक के पास आज लगभग 4:15 बजे एक गाड़ी थी, यूके नंबर उत्तराखंड नंबर की गाड़ी थी, और 350 मीटर गहरी खाई में गिरी, और खाई की वजह से जो है वो शवों को निकालने में कठिनाई हुई। बताया जा रहा है कि इसमें 4 लोग सवार थे, एक व्यक्ति जो चौथा व्यक्ति उसका अभी सुराग हाथ नहीं लग पाया है, बाकी जो 3 डेड बॉडी है वो निकाल दी है, और सभी उत्तराखंड के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अभी इनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है कि इनका नाम क्या है, उसमें पुलिस जुटी हुई है, हादसा कैसे हुआ है पुलिस इस पूरे मामले को देख रही है। वहीं कुल्लू लगघाटी के पास भी आज एक दुर्घटना, एक बहुत ही कह सकते हैं आप हादसा हुआ है, दुर्घटना एक जिप्सी दुर्घटनाग्रस्त हुई है, इसमें 5 लोग जो है वो घायल हो गए, जबकि एक की जो हालत है वो फिलहाल नाजुक बताई जा रही है, हालांकि इसमें डेथ नहीं है, इसमें एक की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है, उसका उपचार चल रहा है। तो ये एक और अपडेट हमारे पास था। अब बात करते हैं मौसम को लेकर के, प्रदेश में कल और परसों मौसम खराब रहने वाला है, यानी मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जो अलर्ट है वो जारी किया गया है, और कल और परसों 2 दिन प्रदेश में जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं, जो मध्यम ऊंचाई जैसे शिमला हो गया, इसके अलावा कह सकते हैं आप मंडी सोलन जैसी जगह जहां पर बारिश होने की संभावनाएं हैं, जो लाहौल स्पीति और किन्नौर है वहां पर जो है वो बारिश के साथ बर्फबारी होने की संभावनाएं ऊंची चोटियों पर। तो जो महत्वपूर्ण सूचनाएं थी आप तक हमने पहुंचा दी है। अभी फिलहाल जो बागियों वाला मामला है वो आगे चला गया है, आपको हमने बता दिया है उसका, और जो सीपीएस वाला मामला है, देखिए जो सीपीएस वाला मामला है उसमें सुनवाई 2 अप्रैल को होगी, ये हमने बता दिया है आपको, आज इसमें जो है वो दोनों पक्षों को सुना गया। बाकी एक जो कह सकते हैं एमएलए जो अभी शिमला में नहीं है, और ये शिमला में इसलिए भी नहीं क्योंकि जो 6 बागी विधायक है कांग्रेस के उनके साथ जो है वो ये अब कह सकते हैं आप ऋषिकेश में ठहरे हुए हैं, ये 15 मार्च को शिमला बालूगंज थाना इनको बुलाया गया है, तो ऐसे में इनको आना पड़ेगा क्योंकि ये जो आदेश हैं वो हाईकोर्ट से आए हैं, और हाईकोर्ट से चैतन्य शर्मा के जो पिता है उनको भी 15 मार्च को कह सकते हैं आप बालूगंज थाने में रिपोर्ट करने को कहा गया है कि वहां पर आप जो पुलिस जांच कर रही है इसमें आप सहयोग दें, और 16 मार्च को फिर ये मामला और लगेगा हाईकोर्ट में ही, फिलहाल 15 मार्च को उनको शिमला आना पड़ेगा। बाकी जो हमने बता दिया है आपके एक और महत्वपूर्ण अपडेट हमारे पास जो थी वो भी हमने आपको बता दी है, जो ये वाला मामला है 6 बागियों वाला मामला है इसमें फिलहाल 18 मार्च को अगली सुनवाई होगी जो सुप्रीम कोर्ट में, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, उस दिन इनके पक्ष में फैसला आता है या फिर इनके विरोध में फैसला आता है, अगर पक्ष में फैसला नहीं आता है तो फिर उपचुनाव होंगे 6 विधानसभा क्षेत्रों में। तो ये महत्वपूर्ण सूचनाएं थी, बाकी जो और सूचनाएं हैं वो आप तक हमने पहुंचा दी, कोई आपका सवाल है कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। टीजीटी जो बैच वाइज का कभी भी परिणाम आ सकता है, संभावना है कि आज आ सकता है परिणाम, और इसको लेकर के जो बाकी हैं अन्य जो पोस्ट कोड कह सकते हैं आप जो अन्य बैच वाइज भर्तियां हैं उसके लिए फिलहाल आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही, कल जुड़ेंगे आपके साथ ठीक 6 बजे। इस बुलेटिन को शेयर जरूर करें ताकि प्रदेश के लाखों लोगों तक सही अपडेट पहुंच सकें।